नमस्कार। प्रण आयुर्वेद उपचार में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे जिन लोग का चूटी पक जाता है और जल्दी मतलब जवान के टाइम में बूढ़े के जैसा फील होता है, जल्दी बूढ़ा हो जाते हैं, और जिन लोग का दांत में दर्द होता है जल्दी और कैल्शियम की कमी होता है, एनर्जी शक्ति का कमी होता है, वो सब बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड आइए हम आप लोग को दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा आप लोग और कैसे उपयोग करने पड़ेगा। देखिए आप लोग ये देख सकते हैं, ये भृंगराज है, भृंगराज है, और दूसरा ये खसा बोलते हैं हम लोग, जन जो कि राशि बोलते हैं हम लोग, ये खसा, और ये खसा लिया है ब्लैक कलर वाला, और ये गुखरू है, गुखरू ये आप लोग देख सकते हैं, ये गुखरू है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सबका सिलबटे में बांट लीजिए, और सिलबटे में बांटने के बाद आप छोटे छोटा उसको गोल गोल बनाइए, गोल गोल गुटी बनाने के बाद आप लोग रोज इसमें से एक या दो गुटी ले ले सकते हैं, एक सुबह और एक शाम। तो ये लेने के बाद आप लोग का जो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, वो बुढ़ापा भी नहीं आएगा, ज्यादा दिन तक आप लोग जवान रह सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा दिन तक आप लोग का बाल भी नहीं पकेगा, जो उन लोग का दांत भी जल्दी गिर जाता है वो सब नहीं होएगा, और हम लोग का जो दृष्टि रहता है, आंखी का जो पावर कम हो जाता है, दृष्टि शक्ति कम हो जाता है, वो सब के लिए आप लोग को ये काम करेगा। और जो लोग ये अगर एक साल में 3 महीना करेंगे तो उन लोग का जो परमायु है, आयु भी वृद्धि होगा, मतलब बॉडी में कभी कोई बीमारी नहीं होएगा, और किसी वजह से आप लोग को तरह तरह का मेडिसिन खाना भी नहीं पड़ेगा, और डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड आज हम जान गए कि कौन सी चीज उपयोग करने से हम लोग का बॉडी भी फिट रहेगा और जो बाल पक जाता है उसके बारे में, और जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो फ्रेंड मेरे वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।